स्कूल की बंद इमारत में रात के 12 बजे अचानक नाच गाने की महफिल शुरू हो जाती और ये महफिल रात भर अंधेरा छटने तक जारी रहती कि एक दिन एक शख्स इस महफिल में फंस गया और फिर उसकी अचानक मौत वाकया हो गई। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मंसूर वॉइस। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाकर तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, शुक्रिया। पेशे खिदमत है खौफनाक कहानी, खौफनाक चुड़ैल। जिस प्राइमरी स्कूल में मेरा ट्रांसफ़र हुआ था वह हैदराबाद शहर से ज़्यादा दूर नहीं था, मुश्किल से आधा घंटा की मुसाफत पर था। इस गांव की आबादी भी बहुत कम थी, स्कूल के सरकारी होने के बिना पर बच्चों की तादाद ज़्यादा थी, कमरे बहुत कम थे, क्लास में बच्चे ज़्यादा होने के सबब पढ़ाना मुश्किल हो जाता, बच्चे शरारतें करने से बाज नहीं आते। बच्चों को क्लास में खामोश रखने का एक ही तरीका होता है, उन्हें मसरूफ़ रखा जाए। ये उसी वक्त मुमकिन है जब जमात में बच्चे कम हों। दिन में सेन में तेज़ धूप आती थी, इसलिए बच्चों को सेन में बिठाना बड़ा तकलीफ दे अमल होता, इसलिए बच्चों की तादाद ज़्यादातर कमरों में ही रखी जाती। स्कूल की इमारत के अंदर पुराने वक्तों का बना हुआ एक मंदिर भी था। उस मंदिर के खाली हिस्से में इतनी जगह ज़रूर थी कि उसमें आसानी से बच्चों की दो जमातें बैठ सकती थी और धूप से भी महफूज रह सकते थे। उस जगह दो पंखे भी लगे थे। मैंने जब हेडमास्टर साहब से बात की कि मैं इस जगह अपनी क्लास लगाना चाहता हूं, तो इस पर हेडमास्टर साहब ने मुस्कुराते हुए खुशी खुशी इजाज़त दे दी। उस जगह का फालतू सामान और काठ कबाड़ दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया। बच्चे इस जगह आकर बड़े खुश हुए क्योंकि यहाँ हवा का रुख अच्छा था। हवा इस कदर आती कि पंखे चलाने की नौबत भी कम ही आती। इस कमरे में आए हुए मुझे अभी बामुश्किल 4 दिन ही हुए थे। 5वें रोज़ एक अजीब वाक्या पेश आया। कमरे में चलता हुआ पंखा चलते चलते रुक गया, जबकि दूसरा पंखा चल रहा था। मैंने चौंक कर पंखे को देखा और जाकर पंखे के बटन को देखा। पंखे का बटन बंद था। मैंने उस पंखे के बटन को दोबारा ऑन किया जिससे पंखा चलने लगा। पंखे के चलने पर मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। अभी चंद मिनट ही गुजरे थे कि दूसरा पंखा बंद हो गया। मैंने उठकर उसका बटन देखा, बटन बंद था। मैंने बंद बटन को ऑन कर दिया। पंखे ने दोबारा चलना शुरू कर दिया। फिर छुट्टी होने तक ऐसा कोई भी वाक्या पेश नहीं आया। 6वें रोज़ कोई ऐसा वाक्या पेश ना आया। बच्चों को पढ़ाते हुए 7वें रोज़ मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे पीछे से किसी ने मुझ पर पानी के छींटे फेंके हों। कपड़ों पर जगह जगह पानी लग जाने से कपड़े हल्के हल्के गीले हो गए। मैंने पलट कर देखा, पीछे कोई भी नहीं था। खड़े होकर मैंने दीवार का अच्छी तरह मुआयना किया, शायद दीवार में सुराख हो और किसी ने मजाकन पानी फेंक दिया हो। हर तरह से दीवार का मुआयना करने के बावजूद दीवार में कोई सुराख नजर नहीं आया। मैं हैरत में पड़ गया कि आखिर यह पानी आया कहाँ से। मेरी बेख्तियार निगाह छत की तरफ चली गई। छत पर चिड़िया का घोंसला बना हुआ था। मुझे अपनी तरफ मुतवज्जा पाकर चिड़िया बाहर को उड़ गई। शायद घोंसले में चिड़िया के बच्चे नहीं थे, इसलिए वो खामोशी से उड़ गई। 8वें रोज़ मुझे अपने कंधों पर किसी खातून के हाथ का लम्स महसूस हुआ, तो मैंने चौंक कर अपने कंधों को देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैं इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहाँ कोई होता तो नजर आता। मैं शर्मिंदा सा होकर अपनी जगह बैठ गया। मेरे कुर्सी पर बैठते ही किसी खातून का हल्का सा कहकहा मेरी समाध से टकराया। मैंने बच्चों की तरफ गौर से देखा, लेकिन वो भी खामोशी से मुझे ही देख रहे थे। बच्चों, तुमने किसी खातून के कहकहा लगाने की आवाज़ सुनी है? मुझसे चुप ना रहा गया तो बच्चों से ही पूछ लिया। नहीं सर, बच्चों ने कोर्स के अंदाज में जवाब दिया। फिर मुझे क्यों कहकहा सुनाई दे रहा है? मैंने कहा, सर आपसे पहले एक और उस्ताद भी आए थे, उन्होंने भी आपकी तरह इस मंदिर में क्लास लगाई थी और वो भी अजीबोगरीब हरकतें करने लगे थे। सब बच्चे हैरान होते थे कि सर को आखिर बैठे बैठे क्या होता है। एक बच्चे ने बताया, क्या हो जाता था उन्हें, मेरा तजस्सुस बढ़ा। कभी कहते थे ये कि मुझ पर किसी ने पानी फेंका है, कभी कहते थे कि लड़की की आवाज़ में कौन बच्चा कह के लगा रहा है, कभी कहते कि ये सीटी की आवाज़ कौन निकाल रहा है। फिर क्या हुआ? मेरा तजस्सुस बढ़ा। सर वो एक दिन शहर गए, फिर वो वापस पलट कर नहीं लौटे। सुना है कि उनको पागलपन के दौरे पड़ने लगे। पागलपन के दौरों में ही उनका इंतकाल हो गया, बच्चे ने बताया। इंतकाल हो गया? मुझे हैरत का झटका लगा। मुझे उस बच्चे की बात पर यकीन नहीं आ रहा था कि कहीं ये मजाक ना कर रहा हो। मेरे लिए इस बात की तस्दीक करना ज़रूरी हो गया। छुट्टी के वक्त जब तमाम असातिज़ा चले गए तो मैं हेडमास्टर साहब के कमरे में गया और एक कुर्सी खींचकर उनके सामने बैठ गया। बच्चे बता रहे थे कि इससे पहले भी मंदिर में उनके किसी और उस्ताद ने क्लास लगाई थी और फिर वो वापस शहर चला गया और फिर पलट कर नहीं लौटा। आखिर उसके साथ क्या वाक्या हो गया था जो वो पागल बना? मैंने पूछा।
बच्चे भी अजीब होते हैं। मैंने उनको मना किया था कि वो तुम्हें अपने उस्ताद के बारे में ना बताएं, लेकिन उनके पेट में कोई बात टिकती ही नहीं। हेडमास्टर ने गुस्से में आते हुए कहा, फिर भी उनके साथ क्या हुआ था? मैंने तजस्सुस से पूछा। बात मामूली सी थी, हुआ यूं कि जिस तरह तुमने आकर मुझे क्लास मंदिर में लगाने का मशवरा दिया था, उसने भी ऐसा ही किया। मैं मंदिर में क्लास लगाने के हक में नहीं था, उसने जबरदस्ती मुझे राजी किया और मंदिर के हिस्से में क्लास लगा ली। फिर उनके साथ कुछ ऐसे वाकयात पेश आए कि जिनका उन्होंने मेरे सामने जिक्र किया। मैंने बगैर तस्दीक के मान लिया कि आपके साथ ऐसा हो गया होगा, लेकिन हमारे सीनियर उस्ताद जमील साहब को उनकी बात पर यकीन नहीं आया। आप हमें डराने के लिए ऐसी उठपटांग वाकयात बढ़ा चढ़ाकर सुना रही हैं। लगता है आप बुजदिल हैं। मैं बुजदिल नहीं हूँ, मेरी रगों में पठान का खून दौड़ रहा है और हम किसी चीज़ से नहीं डरते। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप डरते हैं। आप डरते नहीं तो ये बात साबित करके दिखाओ, जमील ने कहा। तुम्हें किस तरह यकीन आए कि मैं बुजदिल नहीं बहादुर हूँ? मास्टर कमाल ने उल्टा उनसे सवाल कर दिया। एक रात स्कूल में अकेले सोकर दिखा दो, हम मान जाएंगे तुम बहुत बहादुर हो। किसी बला से भी नहीं डरते, जमील ने कहा। जमील का ख्याल था कि कमाल स्कूल में रात के वक्त सोने पर कभी रजामंद नहीं होगा। इससे स्कूल के बारे में मशहूर है कि रात में आसेब और चुड़ैलें आ जाती हैं और रात भर खूब हल्ला गुल्ला करती हैं, डांस करती हैं, फिर सुबह से पहले ही चली जाती हैं। बहुत सारे लोगों का दावा है कि उन्होंने खुद अपनी आंखों से उन चुड़ैलों को आसमान से उतर कर स्कूल में नाचते गाते हुए देखा है। कमाल बुजदली का ताना सुनकर इस कदर गुस्से में आ गया कि उसने यह शर्त कबूल कर ली और रात को स्कूल ही में सो गया। सुबह होने पर जब हम स्कूल आए तो कमाल बेहोशी की हालत में स्कूल के दरवाजे के बाहर पड़ा था। जब हम उसको होश में लाए तो वो घबरा कर मेरे सीने से लग गया और जोर जोर से कहने लगा, नहीं नहीं, मैं उस चुड़ैल के साथ नहीं जाऊंगा, वो मेरा खून पी जाएगी। होश में आओ कमाल, यहाँ कोई चुड़ैल नहीं है। नहीं नहीं, वो अंदर चुड़ैल है, वो बहुत ही खतरनाक है, उसके लंबे लंबे बाल और दांत और नोकीले नाखून हैं। होश में आओ कमाल, यहाँ कोई चुड़ैल नहीं। हम बड़ी मुश्किल से उसको यह समझाने में कामयाब हुए कि स्कूल के अंदर कोई नहीं है। कई घंटे गुजरने पर वो इस काबिल हुआ कि हमसे बात कर सके और उस पर जो रात में बीती है वो बता सके। जब आप स्कूल से चले गए, मैंने ये प्रोग्राम बनाया कि स्कूल के कमरे में सो जाऊँ ताकि रात को अच्छी तरह जाग सकूँ और नींद ना सताए। कमाल ने रात के वाक्य की तफसील बताते हुए हमें गौर से देखा। हम भी उसकी बात गौर से सुन रहे थे। मैं शाम 7 बजे तक सोता रहा और फिर 8 बजे उठा। खाने से फारिग होकर मैं चौकन्ना होकर सहन में कुर्सी लगाकर बैठ गया। रात 11 बजे तक कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजाए मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे बहुत जोर की घंटियां बज रही हों। उन घंटियों का शोर इस कदर तेज था कि मुझे अपनी उंगलियां कानों में ठूंस लेना पड़ी, लेकिन शोर कम नहीं हो रहा था। फिर अचानक शोर खत्म हो गया। एक हैवला मंदिर के कमरे से बरामद हुआ और बड़ा होता चला गया। वो इतना बड़ा हो गया कि सिर्फ उसकी टांगे ही टांगे नजर आ रही थी, जिस्म नजर नहीं आ रहा था। मैं जितना भी ऊपर की जानिब देखता फिजा में सिर्फ टांगे ही नजर आती। कुछ देर तक ये मंजर रहा, फिर वो हैवला गायब हो गया। उसके गायब होने पर एक चमगादड़ शोर मचाती हुई आई और फिर वह बड़ी होती चली गई। फिर वह चमगादड़ आहिस्ता आहिस्ता इंसानी जिस्म में तब्दील हो गई। चेहरा उसका इंतहाई मकरू बन गया। लंबे लंबे बाल, लंबे लंबे दांतों से खून टपक रहा था। हाथों के लंबे लंबे नाखून के उसको देखते ही उबकाई आ जाए। वह मेरी जानिब बढ़ी और नाचती हुई मेरे बाजू में झूल गई। मैं घबरा गया और उसको धक्का देकर एक तरफ हो गया। डर रहा है, वो मेरी तरफ हंसते हुए देखकर बोली, जो डरता है वो मरता है। कौन हो तुम? मैंने पूछा। मैं चुड़ैल हूँ, मेरा काम इंसानों का खून पीना है, चुड़ैल ने बताया। तुम खून पीती हो? मेरी खौफ से गिग्गी बंद गई। हाँ, मैं खून पीती हूँ। ये देखो, मैंने अभी एक बच्चे का खून पिया है, चुड़ैल ने अपने दांतों पर लगे खून के कतरे की तरफ इशारा किया। मेरी अभी प्यास बुझी नहीं, मैं तुम्हारे खून से खून का एक एक कतरा निचोड़ दूंगी, वह चुड़ैल नाचने लगी। चुड़ैल नाचते नाचते मेरे पास आई। मैं घबराकर स्कूल के कमरे में चला गया। मुझे कमरे में जाता देखकर वो भी मेरे पीछे लपकी, लेकिन मैं इस दौरान दरवाज़ा बंद कर चुका था। दरवाज़ा बंद हो जाने पर वो जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगी। दरवाज़ा खोलो, आज तुम मेरा शिकार जरूर बनोगे, तुम्हारी मौत आज मेरे हाथों जरूर होगी। दरवाज़ा नहीं खोलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने दो टोक अल्फाज में कहा। कोई बात नहीं, मैं कहीं और से अंदर आ जाती हूँ, मेरे लिए कमरे के अंदर आना कोई मुश्किल काम नहीं। ये कहकर चुड़ैल खामोश हो गई। चुड़ैल के धमकी देने पर मैं खौफजदा हालत में कमरे के चारों तरफ निगाह दौड़ाने लगा। कमरे में अंदर आने का कोई रास्ता ना देखकर मैं मुतमईन हो गया, चुड़ैल के लिए कमरे के अंदर आना मुमकिन नहीं। छोटी खिड़की से एक चमगादड़ दाखिल हुई और उस चमगादड़ को देखकर मैंने हैरत से देखा। वह चमगादड़ देखते ही चुड़ैल में तब्दील हो गई।
चुड़ैल को एक बार फिर कमरे में देखकर मेरे हवास भागता हो गए और मैं कमरे का दरवाजा खोलकर सेन में भागा। मेरे पीछे पीछे चुड़ैल भी चली आई। प्यारे, तुम आज जब तक मेरी हद में हो मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकोगे, चाहे कितना ही भागने की कोशिश कर लो, चुड़ैल बोली। मौत का खौफ मेरे जहन पर सवार हो चुका था। मैं हर हालत में चुड़ैल को शिकस्त देना चाहता था। मैंने सेहन में रखी कुर्सी उठाकर चुड़ैल पर दे मारी। चुड़ैल ने कुर्सी को ऐसे उचक लिया जैसे कुर्सी कोई खिलौना हो। कुर्सी को एक तरफ फेंक कर वो फिर मेरे पीछे दौड़ी। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे चूहे बिल्ली का खेल खेला जा रहा हो। आगे आगे मैं और मेरे पीछे पीछे वो चुड़ैल थी जो मुझे अपना शिकार बनाना चाहती थी। अचानक मेरे जहन में अनोखा मंसूबा आया और मैंने तेजी से स्कूल का दरवाजा खोला और बाहर को भागा। दरवाजे से बाहर भागता देखकर चुड़ैल चीखी, बुजदिल, तू मुझे धोखा देने में कामयाब हो गया, लेकिन बचेगा तू भी नहीं, बस चंद दिनों का मेहमान है। जो तुझे अपनी ख्वाहिश पूरी करनी है कर दे। अचानक कोई चीज मेरे सर पर आकर लगी और मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। कमाल के ये वाकया सुनाने पर बजाहिर हम उसको तसल्ली दे रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन दिल ही दिल में डर भी रहे थे। उस दिन से उसके दिल में ऐसा खौफ बैठा कि उसने स्कूल से ट्रांसफर शहर के स्कूल में करा लिया, लेकिन हर वक्त उसके जहन में चुड़ैल की धमकी गूंजती रहती कि वो चंद दिन का मेहमान है, किसी न किसी दिन चुड़ैल आकर उसको हलाक कर देगी। इस खौफ के सबब कमाल को दौरे पड़ने लगे। वो बैठे बैठे अजीबोगरीब हरकतें करने लगता और फिर एक दिन उसका इंतकाल हो गया, हेडमास्टर साहब ने तफसील बताई। इन बातों को मद्देनजर रखते हुए आपको मुझे क्लास मंदिर के अंदर लगाने से मना कर देना चाहिए था, मैंने कहा। मैंने मना इसलिए नहीं किया कि तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगे और इस बात को दकियानूसी ख्याल करोगे। जब तुम्हारे साथ इस तरह के वाकयात होंगे तो तुम घबराकर वहां क्लास लगाना बंद कर दोगे। लेकिन मुझे इस बात का यकीन नहीं था कि बच्चे तुम्हें कमाल के हवाले से बता देंगे, क्योंकि मैंने बच्चों को सख्ती से मना किया था कि वो तुम्हें इस तरह की कोई बात ना बताएं, हेडमास्टर साहब ने कहा। हेडमास्टर से कमाल का वाकया सुनकर मेरा तजस्सुस और बढ़ गया और मेरे दिल में भी ये ख्वाहिश मचल रही थी कि मैं भी रात के वक्त स्कूल में ठहर जाऊं और देखूं कि क्या कमाल के साथ जो वाकया पेश आया है वो सच था या उसने कोई ख्वाब देख लिया। बाज़ औक़ात इंसान के साथ ऐसा होता है कि वो कोई डरावना ख्वाब देख लेता है और उस डरावने ख्वाब का खौफ उसके जहन पर सवार हो जाता है और इस हालत में अक्सर लोग इंतकाल भी कर जाते हैं। मेरा दिल इस हकीकत को जानने के लिए बेचैन था, लेकिन मैंने हेडमास्टर पर अपना इरादा जाहिर नहीं किया। अपने इरादे को अमली जामा पहनाने से पहले मंदिर के बारे में मालूमात इकट्ठी करने का प्रोग्राम बना लिया। स्कूल की नौकरी से पहले मैं एक अखबार में नौकरी करता था। अखबार में काम करने से इंसान के अंदर तजस्सुस का मादा बहुत हो जाता है और वह हर वाक्य के बारे में तफसीलात हासिल करना चाहता है। घर से निकलते ही रिपोर्टर की निगाहें नई खबर की मुतलाशी होती हैं। ऐसी खबरें जो लोगों की दिलचस्पी का बायस बने रिपोर्टर तलाश करता है। अखबार की नौकरी खत्म हो जाने के बावजूद अब भी मेरा चलना और देखने का अंदाज रिपोर्टर वाला ही था। हर गैर मुतवक्का बात की छानबीन करना मेरा मशगला बन गया। अक्सर मेरे दोस्त मुझे इस बात पर टोकते भी थे, लेकिन मैं बाज नहीं आता। मैं बच्चों को क्लास में पढ़ा रहा था कि स्कूल का चपड़ासी रफाकत चाय लेकर आ गया। रफाकत, एक मिनट ठहरना, मैंने कहा। जी साहब। रफाकत ने अपने दोनों हाथ इस तरह बांधे जैसे उसने नमाज की नीयत की हो। रफाकत, कभी कभार हमारे पास भी बैठ जाया करो, हर वक्त हेडमास्टर के पास ही बैठे रहते हो, मैंने कहा। रफाकत अजीबोगरीब तबीयत का मालिक है, उससे किसी भी बात की कोई उम्मीद नहीं होती, वो कब क्या कह बैठे। मैं किसी की खुशामद नहीं करता, मैंने हेडमास्टर को भी एक दिन कह दिया कि हम स्कूल में नौकरी करने आते हैं, किसी की गुलामी हरगिज नहीं करेंगे, रफाकत ने कहा। फिर हेडमास्टर ने क्या कहा? वो क्या कहेंगे, बस मेरी शक्ल ऐसे देखने लगे जैसे मेरी शक्ल पर कोई लतीफा लिखा हो। जाहिर सी बात है हेडमास्टर साहब तुम्हें क्या कहेंगे, तुम स्कूल में सबसे सीनियर हो, मैंने रफाकत से मुस्कुराकर कहा। हाँ साहब, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, इस स्कूल में मुझसे ज्यादा सीनियर कोई नहीं, रफाकत अपनी तारीफ पर खुश हो गया। रफाकत, स्कूल में चुड़ैल वाला क्या मसला है? तुम्हें जरूर इसके बारे में मालूम होगा, मैंने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। अरे साहब, वो बड़ी खतरनाक किस्म की चुड़ैल है, रात में वो बड़ा खतरनाक डांस करती है, रफाकत ने सस्पेंस पैदा करते हुए कहा। क्या वाकई वो चुड़ैल डांस करती है? मेरे मसनूई हैरत का इजहार करने पर रफाकत खुशी से और मचल गया। जी हाँ साहब, मैं दुरुस्त कह रहा हूँ, मैंने अपनी दो गुनाहगार आंखों से चुड़ैल को डांस करते हुए देखा है। उसके साथ कई भूतने भी होते हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी फिल्म की शूटिंग का मंजर रिकॉर्ड हो रहा हो, रफाकत ने कहा। लेकिन तुमने उनका डांस कैसे देख लिया, उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं कहा? सुना है कोई उनको देख ले फिर ये उसको नुकसान जरूर पहुंचाती हैं, मैंने कहा। देखते कैसे, मैं उनके सामने आता तो देखते ना। मैं उस रोज नहर के पास वाले खेतों के बराबर आबादी में एक शादी की तकरीब से आ रहा था। रात का 1 बज रहा था।
मैंने देखा स्कूल के अंदर इस कदर रोशनी है कि दिन का सा समा हो रहा है। गाना गाने और नाचने की आवाज़ आ रही है। मुझे बड़ी तशवीश हुई। मैं लपक कर दरवाजे की तरफ गया, लेकिन दरवाज़ा बाहर से बंद, ताला लगा हुआ था। एक लम्हे को मुझे खौफ सा महसूस हुआ कि ये क्या चक्कर है, कहीं भूत प्रेत स्कूल में ना गए हों। मेरे ताला खोलकर अंदर जाने पर वो मुझ पर हमला ना कर दें, ये ख्याल आते ही मैंने दरवाजे के बजाय स्कूल की दीवार में मौजूद एक बड़े सुराख से अंदर झांकने का प्रोग्राम बनाया। और उस सुराख से अंदर झांका। अंदर का माहौल देखकर मेरी हैरत की इंतहा ना रही। अंदर इस कदर रोशनी थी कि हर चीज दूधिया हो रही थी। कई कितारें लगाए भूतने खड़े थे और उनकी नजरें एक मकरू शक्ल चुड़ैल की तरफ थी जो मस्ती से चूर होकर डांस कर रही थी। डांस करने के साथ साथ वो अजीब जुबान में गा भी रही थी। ये मंजर देखकर मुझ पर ऐसी कपकपाहट तारी हुई कि मैं वहां से ऐसा भागा कि पीछे मुड़कर भी देखना गवारा ना किया, रफाकत ने बताया। रफाकत, तुमने ये वाक्या सुनाकर मुझे भी मजबूर कर दिया है कि मैं भी रात में आकर चुड़ैल को नाचता हुआ देखूं। मैंने किसी चुड़ैल को अपनी जिंदगी में नाचते हुए नहीं देखा, मैंने कहा। साहब ऐसी गलती ना करना, वरना आप भी कमाल की तरह इस दुनिया में नहीं रहेंगे, रफाकत ने कहा। रफाकत, जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, या सेब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मैंने कहा। साहिब, आपको समझाना मेरा फर्ज था, अब आपकी मर्जी है कि आपकी जो दिल में आए वो करें, रफाकत ने घबराए हुए कहा। मेरी बात से रफाकत कुछ खौफजदा सा दिखाई देने लगा। अच्छा भाई, तुम नहीं चाहते कि मैं भी वो मंजर देखूं तो ठीक है, नहीं देखूंगा, ठीक है ना? मैंने चाय का खाली कप रफाकत के हाथों में थमाते हुए कहा। मेरी इस बात से उसके परेशान चेहरे पर खुशगवारियत ने ले ली, जैसे मेरे इस फैसले से उसको खुशी हुई हो। मैं जिस शख्स से स्कूल के बारे में मालूमात हासिल करता वो एक नई कहानी सुना देता। हर शख्स की कहानी दूसरे से मुख्तलिफ होती। इस बात से मेरे अंदर ये राज जानने की ख्वाहिश शिद्दत से बेदार हो रही थी। बस ये इत्तफाक है, मेरी ये ख्वाहिश पूरी होने का सामान खुद बखुद पैदा हो गया। मुल्क में नए इंतखाबात का ऐलान हो चुका था। इलेक्शन में दूसरे असातिज़ा की तरह मेरी प्रिजाइडिंग ऑफिसर की हैसियत से इसी स्कूल में ड्यूटी लग गई। रिटर्निंग ऑफिसर ने हमें इलेक्शन से मुतल्लिक मवाद देकर स्कूल रवाना कर दिया। मैंने सुबह होने वाली पोलिंग के लिए कमरों को मर्द औरतों के लिए अलग अलग बनाया। आगे जाने के लिए इशारती कार्ड कमरों पर लगाए ताकि उनकी मदद से लोग मुतलका कमरों में वोट इस्तेमाल करने को जा सकें। अपने इस्तेमाल के लिए मैंने हेडमास्टर के कमरे में रखकर कमरे को सील कर दिया। पोलिंग के अमले को मुकर्रा वक्त से एक घंटा कबल आने का कहकर रुखसत हो गया। पुलिस कांस्टेबल ने स्कूल के बाहर गेट पर अपनी ड्यूटी संभाल ली। इलाके के सियासी कारकुन भी अपने भरपूर ताउन की यकीन दहानी करा के रुखसत हो चुके थे। मैं चाहता तो अपने घर जाकर स्कूल की नींद पूरी करके सुबह स्कूल आ सकता था, लेकिन मैं वो राज जानने के लिए बेचैन था जो लोगों की जुबानी सुन चुका था। रात हो जाने पर पुलिस कांस्टेबल ने अपनी चारपाइयां स्कूल के गेट के पास ही बिछा दी। वो चारों कांस्टेबल स्कूल के अंदर आने से कतरा रहे थे। सख्त सर्दी होने के बावजूद बाहर रहने पर असरार कर रहे थे। चारपाइयां उम्मीदवार ने ही भिजवाई थी। मैंने अपनी चारपाइया कमरे में लगा दी। ये कमरा ऐसा था जिसमें रहकर मैं स्कूल और स्कूल के बाहर की अच्छी तरह से निगरानी भी कर सकता था। रात के 11 बजने पर मैंने स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर का जायजा लिया। पुलिस कांस्टेबल चारपाई पर बैठे गुफ्तगू में मसरूफ थे। सर्दी से बचने के लिए उन्होंने सूखी लकड़ियां तलाश करके जला रखी थी और आग से अपने हाथ ताप रहे थे। स्कूल का जायजा लेकर मैंने कमरे का भी अच्छी तरह जायजा लिया कि कमरे में कुछ मौजूद तो नहीं है। अच्छी तरह इत्मीनान करके खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए और चारपाई पर आकर लेट गया। थकावट की वजह से मुझे जल्दी नींद आ गई। खिड़की के शीशे बजने पर अचानक सोते से मेरी आंख खुल गई। मैंने उठकर शीशे से बाहर को झांका। बाहर एक खौफनाक शक्ल की खातून दरवाजा खोलने को मुझे इशारा कर रही थी। मैंने गर्दन इनकार में हिला दी। मेरे इनकार पर उसने मुझे देखा और गायब हो गई। उसके चले जाने पर मैंने इत्मीनान का सांस लिया और चारपाई पर आकर लेट गया। अचानक मेरी नजर घड़ी पर पड़ी। रात के 12 बज रहे थे। वक्त देखकर मुझ पर एक अनजाना सा खौफदारी हो गया, हालांकि मैं कभी खौफजदा नहीं होता। लेकिन स्कूल से मुतल्लिक वाकयात और मेरे साथ जो स्कूल में वाकयात हुए थे उनको देखकर वक्ती तौर पर खौफ आना फितरी था। मैंने अपने खौफ पर काबू पाते हुए इस खतरे से निमटने का फैसला कर लिया। मुझे पूरे यकीन हो चला था कि वो औरत चुड़ैल ही थी जब ही मेरे इनकार पर गायब हो गई, और अब वो किसी जानवर के रूप में कमरे के अंदर दाखिल होने की ज़रूर कोशिश करेगी। खिड़की के शीशे के बजने पर मैंने गौर से देखा, कोई परिंदा अंदर आने की कोशिश कर रहा था। मैं खिड़की के पास गया। बाहर एक चमगादड़ थी। वो अंदर कमरे में आने की कोशिश में बार बार शीशे से टकरा रही थी। चमगादड़ को देखकर सारी बात समझ में आ गई कि ये वो चुड़ैल ही है जो नाकामी पर चमगादड़ के रूप में आई है। अचानक मेरे जहन में अनोखा ख्याल आया और मेरी आंखें मुसर्रत से चमकने लगी। मैंने एक बड़ा सा कपड़ा हाथ में लिया और बड़ी होशियारी के साथ खिड़की का एक पट खोल दिया। चमगादड़ जैसे ही खिड़की के रास्ते अंदर दाखिल हुई, मैंने उस पर कपड़ा डालकर कपड़े में कैद कर लिया और फुर्ती का मुजाहरा करके
कपड़े को पोटली नुमा बना लिया और गिरहा लगा दी। फिर उस कपड़े को पकड़कर खूब जोर जोर से दीवार पर मारा। खूब अच्छी तरह से दीवार से चमगादड़ को टकराकर दरवाजा खोला और तेजी के साथ दरवाजे से बाहर निकलकर स्कूल से बाहर आया। पुलिस कांस्टेबल ने अभी तक आग को खूब दहकाया हुआ था। ताज़ा लकड़ी डालने पर आग के शोले फिजा में बुलंद हो रहे थे। मैंने वो कपड़ा आग में फौरन से पेशतर फेंक दिया। कपड़े के आग पर गिरने से एक औरत की आह गूंजी, जैसे किसी खातून को तकलीफ हो रही हो। कपड़े के जलने पर औरत की सिसकियां तेज तर होती जा रही थी। पुलिस कांस्टेबल भी हैरत से ये मंजर देख रहे थे और मैं मुतमईन अंदाज में आग को देख रहा था। धोखेबाज इंसान, तूने मुझे धोखा दिया और धोखे से काबू कर लिया, वरना मैं कभी तेरे इस तरह काबू ना सकती। तेरी किस्मत ने आज तेरा साथ दिया और मैं तेरे काबू आ गई, वरना मैंने अच्छे अच्छे लोगों को तोड़ मरोड़ कर हलाक कर दिया। आग से चुड़ैल की दर्द में डूबी आवाज उभरी और फिजा में खामोशी छा गई। सर, आपने कमाल कर दिया, स्कूल की चुड़ैल को हलाक कर दिया, एक पुलिस कांस्टेबल ने कहा। और सर, ये आपने अच्छा किया, अब गाँव के लोगों को इस मनहूस चुड़ैल से निजात मिल गई है, दूसरे कांस्टेबल ने कहा। चारों कांस्टेबल मुझे हैरत तो खुशी की मिली जुली कैफियत से देख रहे थे और मैं मुतमईन अंदाज में खड़ा उन लोगों की बातें सुन रहा था। मैं वापस कमरे में आकर लेट गया। बिस्तर पर लेटे लेटे कई घंटे गुजर गए, लेकिन नींद ना आई। मेरे जहन में बार बार ये वाक्य और चुड़ैल के अल्फाज गूंज रहे थे। मेरी जरा सी जहानत का मुजाहरा करने से मैं चुड़ैल का शिकार होने से बच गया, वरना वो अपना वार कर जाती। मुझे याद नहीं कब आंख लगी, हाँ इतना जरूर याद है कि पुलिस के दरवाजा बजाने पर आंख खुल गई। मैंने मुंह हाथ धोकर खूब डटकर नाश्ता किया। यह नाश्ता एक उम्मीदवार ने अपने घर से भिजवाया था। पोलिंग का अमला वक्त से पहले पहुंच चुका था। मुकर्रर वक्त पर पोलिंग शुरू हो गई और शाम 5 बजे तक चलती रही। पोलिंग खत्म होने पर रिजल्ट तैयार करके पोलिंग का सामान रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस में जमा करा के जब कुछ सुकून मुयसर आया तो नींद के झोंके आने लगे और मैं घर लौट आया। बिस्तर पर पड़ते ही आंख लग गई। सुबह देर तक दिन चढ़े तक सोता रहा। तीसरे रोज जब मैं स्कूल पहुंचा, चुड़ैल को जलाए जाने का वाकया तमाम असातिज़ा को दूसरे लोगों की जुबानी मालूम हो चुका था। पुलिस कांस्टेबल ने लोगों को यह वाकया खूब मिर्च मसाला लगाकर सुनाया। स्कूल के असातिज़ा मुझे इस तरह देखने लगे कि जैसे मैं किसी और सियारे की मखलूक हूँ। आपको आसेब को काबू करने का इलम भी आता है, कमाल है। हमें कभी आपने बताया नहीं, वरना हम आपकी खिदमत हासिल कर लेते और लोगों को भी फायदा हो जाता जो आसेब के हाथों तंग हैं, हेडमास्टर ने कहा। मुझे आसेब को काबू करने का इलम नहीं आता, दरअसल मैंने चुड़ैल को टेक्निक से काबू किया, मैंने बताया। वो कैसे, एक साथी ने पूछा। मेरे जहन में ये ख्याल आया कि चुड़ैल किसी दूसरे रूप में आएगी तो उसको काबू करना आसान हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको कपड़े में कैद करके खूब दीवार पर मारकर चुड़ैल के हवास बाख्ता कर दिए। इससे पहले कि उसके हवास दुरुस्त हों, मैंने आग में उछाल दिया। जिस तरह लोहे को लोहा काटता है, उसी तरह आसेब को आग से नुकसान पहुँचता है, और आग ने उसको जलाकर भस्म कर दिया। अब हमारा स्कूल आसेब से महफूज हो गया है, ये चुड़ैल अब किसी को तंग नहीं करेगी, मैंने वजाहत से बताया। मेरी इस टेक्निक ने सबको हैरत ज़दा करके रख दिया। मैं कई साल स्कूल में रहा, लेकिन फिर कभी किसी आसेब ने मुझे क्लास में तंग नहीं किया। आज भी वो स्कूल अपनी जगह कायम है और मंदिर में बच्चों की क्लासें लग रही हैं, लेकिन पढ़ाने में उस्ताद को किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होती और ना ही कभी रात में स्कूल में जाने से किसी को डर लगता है।